तो दोस्तों आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियोज के अंदर किसी पैरट को अगर नहीं दिखाना चाहते तो काइनमास्टर ऐप की सहायता से उस पैरट के ऊपर ब्लर इफेक्ट कैसे यूज करें मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंचे। अब मैं चलता हूँ अपने फोन के ऊपर। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन के अंदर जो काइनमास्टर ऐप है उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद यहाँ से आपको अपने वीडियो की साइज सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो के अंदर आप ब्लर इफेक्ट यूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि दो नंबर पर जो इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि जो बेसिक इफेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। ये दोनों ही ऑप्शन ब्लर इफेक्ट के लिए हैं, इनमें से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं अगर यूज करना चाहे तो। तो दोस्तों मैं यहाँ से फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप मेरे वीडियो के अंदर देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट आ गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है जहाँ तक आप अपने वीडियो के पार्ट को नहीं दिखाना चाहते। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस इफेक्ट वाली लेयर पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे तो। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।